बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये कहावत फरीदाबाद के गांव मुजेड़ी के 3 महीने पहले बनाए गए कार्यवाहक सरपंच पर सटीक बैठती है। गौरतलब है कि गांव मुजेड़ी के पिछले सरपंच का फ्रॉड का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गांव के कार्यवाहक सरपंच ने उससे भी बड़ा कारनामा कर दिया। कार्यवाहक सरपंच ने करीब 20 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट बिना काम पूरा किए ही कर दी, जबकि काम अभी आधा भी नहीं हुआ। बता दें कि गांव मुजेड़ी की पूर्व सरपंच रानी बीडीपीओ पूजा शर्मा, पूजा शर्मा के भाई ललित मोहन शर्मा और निलंबित ग्राम सचिव विजय पाल पर करीब 70 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप है, जिसमें चारों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं इसी मामले में बीडीपीओ पूजा शर्मा को सस्पेंड किया गया है। इस नए मामले का खुलासा पंचायत के ही मेंबर ने किया है। वहीं इस मामले की वीडियो में दिखाई दे रहे लोग गांव मुजेड़ी की पंचायत के मेंबर हैं। इनका आरोप है कि दोनों सरपंचों ने जमकर घोटाला किया और ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि उन्होंने किस तरह से सरकारी खजाने में सेंध लगाई है। आरोप यह है कि गांव में बनाई गई वाटिका और सरोवर का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसकी पूरी पेमेंट कर दी गई। इसके अलावा लेंटर के ऊपर ही लेंटर डाल दिए गए और जहां लेंटर की जरूरत नहीं थी वहां भी लेंटर डाले गए। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उनका कहना है कि जो धनराशि इन्होंने भ्रष्टाचार में कमाई है इनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी धन है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए ये नजीर साबित हो। वहीं इस मामले में डीडीपीओ राकेश कुमार मौर्य का कहना है कि उनके पास डीसी साहब के माध्यम से शिकायत आई है और उस पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे और उनके आधार पर यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जाएगा। कवर सिंह नाम है जी। कवर सिंह जी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं सरपंच पर, क्या मामला है और किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है गांव में? भाई ये वाटिका में खड़े हैं हम यहाँ के गांव की में जी। ये इसका पैसा निकाल लिया और ये काम कुछ भी नहीं हुआ, ये सबड़ा टूटा फूटा लेंटर गिर दिया और इसके सबड़े पैसे निकाल लिए। मंदिर पे राधा सरोवर बनाया उसका भी पूरा काम नहीं हुआ, वो सबड़ा पैसा निकाल लिया और वो भी अधूरा ही है। और लेंटर पे लेंटर डाल दिए जहाँ पर साफ सुथरे लेंटर थे और लेंटर की जरूरत ही नहीं थी, वहाँ पर लेंटर पे लेंटर डाल दिए, हल्का माल डाल। ऐसा काम क्यों किया सरपंच ने, क्या वजह थी? ये सब सबकी मिली बात चल रही है, सेक्रेटरी है, ये ठेकेदार हैं, सब पैसा इनको निकाल, 22-23 करोड़ रुपए निकाल चुके थे जी। 22-23 करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ी रकम है और बहुत बड़ा आरोप है। तो क्या चाहते हैं अब आप, क्या मतलब? हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये पैसा निकला ये काम पूरा होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। डीपीओ साहब, पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ग्राम पंचायत मुजेड़ी का एक और कोई मामला सामने आया है जिसमें करोड़ों के हेरा फेरी का मामला है, बिना अनुमति के पैसे निकाले गए हैं। क्या कोई आपके पास में इस तरह की शिकायत पहुँची है? अभी एक शिकायत हो रही है, ग्रामवासी हैं सतबीर, उन्होंने दी है, डीसी साहब के माध्यम से भी प्राप्त हुई, तो उस पर अभी जाँच करके फिर उसके बाद कोई कार्रवाई बनाई जाए। किस तरह की शिकायत है सर, क्या किसी सरपंच के खिलाफ है, किसके खिलाफ? शिकायत यही है कि ग्राम पंचायत फंड से बगैर परमिशन के पैसे इस्तेमाल किए और काम मौके पे पूरे नहीं किए, तो इसकी जांच के बाद फाइनल पता लगे क्या है। पहले भी सरपंच पर आरोप लग रहे थे और अब दूसरे सरपंच पर आरोप लगाए जा रहे हैं? पहले सरपंच पर जाँच की गई थी तो आरोप सिद्ध हुए थे, उसमें FIR कराई गई है। अभी ये जांच बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है जी, पहले जांच पूरी करें, देखते हैं अगर उसमें आरोप साबित होंगे तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से एक ही व्यक्ति, एक ही जो ठेकेदार है, उसकी चार चार जो फर्म है उनके नाम से जो है लगभग 7 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। कमेंट नहीं करना चाहता, तो जब जाँच कम्प्लीट होगी उसके बाद आप लोगों को बताया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।